अस्सलाम वालेकुम प्यारे गाइस, क्या हाल है जी? कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी अरूज मलिक और चैनल का नाम है जी अरूज मलिक ऑफिशियल। सो गाइस, आज आप देख रहे होंगे कि अरूज आटा क्यों गूंद रही है। तो गाइस, आज मैं आटा सैरी के लिए गूंद रही हूँ क्योंकि सैरी का टाइम है और मैंने सोचा कि चलो आटा तो वैसे गूंदना, अपने क्यों ना गाइस से शेयर कर लूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो गाइस, सतारवा रोज़ा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और इसी तरह आप जुड़े रहिएगा अरूज मलिक ऑफिशियल के साथ, इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करने गाइस। तो आटा स्टार्ट करते हैं गूंदना क्योंकि वक्त कम रह गया मेरे ख्याल से, तो जल्दी जल्दी आटा गूंद लेते हैं। सो गाइस, मैं नमक डाल रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मतलब कि नहीं नमक खाते, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो किसी का ब्लड हाई होता है, किसी का लो होता है, तो इस वजह से कोई नमक नहीं डालते। लेकिन हाँ, नमक डालते हैं लेकिन कम डालते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं डालते, लेकिन डालते ज़रूर हैं। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए अपने गाय से बात भी नहीं की और वीडियो शेयर नहीं की, इसलिए मैंने कहा चलो आज बात भी हो जाएगी और सैरी के टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा अपने दोस्तों के साथ, गाइस के साथ। मुझे आटा नरम रखना है क्योंकि सख्त रखेंगे तो फिर वो फ्रिज में रखना होता है तो और सख्त हो जाएगा, ठंडा हो जाता है तो फिर रोटी बनाना मुश्किल हो जाती है, इसलिए आटा रखेंगे नरम, ढीला ढीला रखेंगे तो ताकि रोटी भी सही बने और फ्रिज में रखने से भी इतना ना बने, मतलब कि सख्त ना हो। और गाइस, सबसे मज़ेदारी वाली बात यह है कि मेरे से आटा नहीं गूंदा जाता खड़े होकर, वो खास कर शरफ पे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे से नहीं घूमना जा रहा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी करना है, चैनल को न्यू सब्सक्राइबर से अपने दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल का विजिट करें। अली हैदर, 1 मिनट प्लीज, क्योंकि सब उठने वाले हैं और हैदर और मैं जाग रही हूँ, बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि उनका टाइम हो गया उठने का। मैंने सोचा कल तक मैं आटा गूंद लूँ, जल्दी आना बेटा। जी तो गाइस, आप देख रहे हैं कि मैं किधर, उधर मैं आटा गूंद रही थी लेकिन मेरे से नहीं ना उधर खड़ा नहीं होया जा रहा था ना पाँव की वजह से, इसलिए फिर मैं इधर आ गई, मैंने चल बैठ के आटा गूंद लेती हूँ। बाजारी आटा रात के साथ चिपक जाता है, ये देखिए। गाइस, चैनल का नाम है अरूज मलिक ऑफिशियल, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट्स करना तो फिर बिल्कुल नहीं भूलना गाइस। ले जी आटा हमारा हो गया तैयार, भूल ली है मैंने। अब रखते हैं, गाइस इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर लग चुकी है कि मैं चलने फिरने लग गई, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह
उम्मीद है कि मिस्टेक नहीं होगी वीडियो की और आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी। जो भी बनाऊंगी वीडियो इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। आपकी सपोर्ट रही तो मैं पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही गाइस मैंने हटना है, ठीक है। बाकी अब सामने कैसी, मतलब मैंने थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि पाँव में फ़र्क है, ठीक हो रहा है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ हाजिर हो गई। मैं साइडों से परात को साफ कर रही हूँ ना, साथ साथ करते रहें तो वो आटा चिपक नहीं जाता। ये है बाजारी आटा, ठीक है, ये खालिस गंदम का नहीं है, बाजारी है। आपको पता है बाजारी कैसे का मिलता है, इसलिए फिर थोड़ा मसला बन रहा था। जी तो गाइस चैनल का नाम है अरूज मलिक ऑफिशियल, इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में आपने लाजमी बता दें कि अरूज ने आटा कैसा गूंदा है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी अरूज मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।